Write down next. Combination of registers. Combination of registers. Very very important topic. Combination of registers. ठीक है, हम हमारे रजिस्टर्स को जब सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कैसे लगाते हैं? सो देर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन. नंबर वन सीरीज कॉम्बिनेशन. नंबर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें जो बिल्कुल याद रखनी है, हमेशा कभी नहीं भूलना है इसको. वो बातें ये हैं कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है तो करंट सेम होती है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है. करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे रेजिस्टर्स पैरेलल लगे हुए हैं तो पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिवाइड हो जाता है. ये कंसेप्ट अगर पता है तो सीरीज पैरेलल अपने आप बन गया. ठीक है, सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इस डेरिवेशन को ढंग से देखो, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है डेरिवेशन में. ठीक है, चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं दोनों को एक ही तरफ बता देता हूँ या एक एक करके बता देता हूँ. चलो ठीक है, एक एक करके बता देता हूँ. मैंने कंसेप्ट बता दिया कि यहाँ पर करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, यहाँ पर वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड होता है. पहला हम कनेक्शन कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन. पहला कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन. चलो सीरीज कनेक्शन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हम कर क्या रहे हैं सीरीज कनेक्शन में. हम कर क्या, मेरे पास यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 और R2. ठीक है, ये कैसे लगे हुए हैं सीरीज में? सीरीज का मतलब होता है डायरेक्टली, यानी करंट सेम होना चाहिए. अब मैं सर्किट बना रहा हूँ पूरी. ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, इसका पोटेंशियल कितना है V, और इसमें यहाँ से करंट निकल रही है I. ठीक है, तो हमने एक चीज देखा था कि सीरीज में जब रेजिस्टर लगते हैं तो करंट सेम होता है, यानी कि ये जो करंट I जा रहा है जिंग कूदते हुए जा रहा है, ये R1 पे जाएगा और यही R1 से किस में जा रहा है? R2 पे जा रहा है, यानी करंट सेम है, करंट दोनों में सेम है. अच्छा, एक और चीज देखा था, पोटेंशियल डिवाइड होता है. इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V1. और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या मान लिया हमने? V2. V1 और V2. ठीक है, हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, हम ये कॉम्बिनेशन पढ़ने का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन पढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस अलग अलग लिखे हुए हैं, मेरे को एक पूरा रेजिस्टेंस चाहिए इसका, कि भाई इनका टोटल कितना है. तो ये टोटल कैसे निकालते हैं? तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो ये सीरीज में होंगे या फिर ये पैरेलल में होंगे. तो सीरीज देख रहे हैं फिर पैरेलल निकालेंगे. ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा. यहाँ पर देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मैंने ये मान लिया, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने ये मान लिया कि इनका जो टोटल कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो भी इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है, वो मैंने मान लिया R, कैपिटल R, या R इक्विवेलेंट लिख देता हूँ. ठीक है, बाकी सर्किट तो सेम है, मैंने सिर्फ सर्किट को क्या किया है, रिड्यूस कर दिया. ये दो अलग अलग लिखे हुए थे, इनका एक कॉम्बिनेशन यहाँ लिख दिया. मुझे नहीं पता कॉम्बिनेशन क्या है, R1 - R2 है, R1 × R2 है, R1 + R2 है, मल्टीप्लाई R2, कुछ नहीं पता. अभी देखेंगे क्या होता है जब सीरीज में लगा हुआ है. करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है. ठीक है, एक लॉ मैंने तुम लोग को बताया था, ओम्स लॉ, वो हमेशा याद रखना है. V is equal to IR. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल वोल्टेज है, ये वोल्टेज दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. टोटल वोल्टेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज V1, सेकंड इज V2. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर V की वैल्यू कितनी होगी? इस सर्किट को देखो, V is equal to I into R equivalent. मैंने ओम्स लॉ बोला था, लगा लेना हर जगह. V is equal to I into R equivalent, यानी मैं लिख सकता हूँ I into R equivalent, that is equal to V1. V1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से करंट कितनी जा रही है? I. किससे जा रही है? R1 से. तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा? I into R1, that is equal to I into R1 plus V2. V2 की वैल्यू कितनी होगी? V2 की वैल्यू होगी I into R2, करंट जा रही है I into R2, यानी कि दिस इज I into R2. देखो I कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी I, दोनों I कैंसिल हो गए. R इक्विवेलेंट कितना आया? R1 plus R2, यानी कि ये जो इक्विवेलेंट है ये है R1 plus
आर टू। समझ में आया? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, आर वन प्लस आर टू। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन कैसा है कि मान लो तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन। यहाँ पर है 2 ओम, यहाँ पर है 3 ओम, ठीक है। एक बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट की। तुमसे क्वेश्चन में पूछा चलो करंट बताओ इसमें से कितना जा रहा है, करंट बताओ कितना जा रहा है। तो ऐसे देख के हम करंट नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे और एक अगली सर्किट बनाएंगे। हमेशा याद रखना ये की कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुमको सर्किट पे सर्किट बनानी है। नेक्स्ट सर्किट क्या आएगी, इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो तुमने ये देखा कि ये करंट इन दोनों में सेम है, यानी कि ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना होता है, आर वन प्लस आर टू, यानी ये कितना हो जाएगा 2 + 3, यानी कि दिस इज 5 ओम। यहाँ पे कितनी बैटरी है, 10 वोल्ट की। वापस से करंट को दौड़ा दो, सर्किट बिल्कुल बनाते जाना है। और अब यहाँ पर लगाओगे ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ के बिना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। V इज इक्वल टू आई आर, वी कितना है 10, I पता नहीं, R कितना है 5, तो I की वैल्यू कितनी आई 2 एम्पियर। देखो इसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं, I की वैल्यू कितनी आई 2 एम्पियर, तुमने यहाँ पे लिखा 2 एम्पियर, ठीक है, तुमने ऊपर भी लिखा 2 एम्पियर। अब तुम अपनी गाड़ी दौड़ाओ, यहाँ से करंट निकल रहा है 2 एम्पियर का, यहाँ रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओम का, तो वोल्टेज कितना आएगा यहाँ पर, V is equal to IR, ओम्स लॉ लगना है, V is equal to IR, I कितना है 2, R कितना है 2, तो यहाँ कितना आ गया 4 वोल्ट, यही करंट आगे गया 3 ओम, करंट कितना है 2 एम्पियर, 3 × 2 = 6 वोल्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखो टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है 10 वोल्ट, देखो ना 10 वोल्ट की बैटरी लगी थी, यही तो हमने पढ़ा, पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट क्या होता है सेम होता है। लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है, नोट इट डाउन, इसको एग्जांपल को वही नोट करो। अच्छा एग्जांपल को नोट करने से पहले एक पॉइंट और बता देता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ देखो कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस थे वो कितने थे, 2 और 3, लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 5, यानी कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आता है, पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है, नोट इट डाउन, राइट ऑन। नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन, नेक्स्ट इज पैरेलल कनेक्शन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है पैरेलल कनेक्शन में, क्या होता है, हमने कंसेप्ट देख लिया था पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड होती है, ठीक है। मैं सर्किट बना रहा हूँ, ध्यान से समझना, सेम कंसेप्ट है, जैसे सीरीज में किया वैसे पैरेलल में करेगी, ठीक है। सबसे पहले मेरे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 और R2, ये किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए, ठीक है। ये होता है पैरेलल कनेक्शन, ऐसे लगे होते हैं पैरेलल, और यहाँ पर कनेक्टेड है बैटरी बी, ठीक है। हमारा पहला काम क्या होता है, करंट को पास कराना, ठीक है, करंट को पास कराया हमने। अब मेरे को एक बात बताओ, ये करंट यहाँ से चली यहाँ पर आई, और यहाँ पर अब इसके पास दो रास्ते हैं जाने के, यानी कि यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगी, एक पार्ट करंट का यहाँ जाएगा विच इज I1, और एक पार्ट करंट का यहाँ जाएगा विच इज I2। देखो हमने यही तो पढ़ा था, करंट क्या होती है डिवाइड, पर पोटेंशियल क्या होता है सेम। अभी पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है V, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है V। अब करंट डिवाइड हुई पर पोटेंशियल सेम है, चलो ठीक है। यहाँ पर अब मैं तुमसे एक चीज वही पूछ रहा हूँ जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा था, हमने यहाँ पर इस पूरे रेजिस्टेंस की जो सर्किट है, इसका एक इक्विवेलेंट बनाया था,
एक इक्विवेलेंट बनाया था जिसको हमने क्या बोला था, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट यहाँ पर पोटेंशियल कितना लगा हुआ है वी, और करंट कितना जा रहा है आई, ठीक है। ओम्स लॉ तो हम जानते ही लगा सकते हैं, तो यानी वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आर इन I into R equivalent। चलो ठीक है, यहाँ पर अब कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं I is equal to I1 plus I2, I is equal to I1 plus I2। Now what is the value of I from here? I की वैल्यू कितनी है, V upon R equivalent, V upon R equivalent। This can be written as V upon R equivalent, that is equal to, that is equal to I1। अब खुद देख के बताओ I1, I1 किस रेजिस्टेंस से जा रहा है, R1 से, और उस R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V, तो I की वैल्यू कितनी आएगी V upon R1, V upon R1। I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 किससे जा रहा है, I2 किससे जा रहा है, R2 से जा रहा है, पोटेंशियल कितना है V, तो यानी कि I2 की वैल्यू कितनी आएगी V अपॉन R2। देखो V कॉमन आ रहा है यहाँ से और कैंसिल हो जाएगा, इधर V है इधर कॉमन आ रहा है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कंडीशन क्या आई, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। जब रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं, अभी मैं बोर्ड की कॉपी चेक करने गया था इसी साल की, बहुत सारे बच्चों ने एक ही जगह गलती की है। कहाँ देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, वो एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पर मान लो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मान लो रेजिस्टेंस है 3 ओम, ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो एक बात बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 upon 3 plus 1 upon 6। अच्छा, इसको सॉल्व करो, 1 upon R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी 6 हो गया, तो यानी कि 2 plus 1 upon 6, यानी कितना आ गया 1 upon R इक्विवेलेंट, ये आ गया तुम्हारा 3 upon 6 which is 1 upon 2। ध्यान दो क्वेश्चन में 1 upon R इक्विवेलेंट आया है 1 upon 2, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R equivalent आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, गलती यही हो जाती है बच्चे, 1 upon R equivalent कितना आया 1 by 2, तो वो ही R equivalent को 1 by 2 लिख देते हैं और यही गलत हो जाता है। R equivalent नीचे है, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा गलतियाँ जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं वो यही करते हैं, तुम सब निकाल लोगे, पैरेलल सॉल्व कर लोगे, सीरीज सॉल्व कर लोगे, लेकिन यहाँ गलती हो जाएगी। नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना है यहाँ पर क्या, जब हमने रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया था, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया था याद है कि नहीं, हमने 2 ओम का लिया था और 3 ओम का लिया था, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया था, 5 ओम का आ गया था। तो मैंने ये बोला था जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होता है सीरीज में। पैरेलल में मैंने यहाँ कितना रेजिस्टेंस लिया, 3 ओम, यहाँ कितना लिया, 6 ओम, तो जो मेरा इक्विवेलेंट आया है, जो मेरा इक्विवेलेंट आया वो कितना आया है, 2 ओम। इसका मतलब जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। सीरीज में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आता है और पैरेलल में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आता है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसको रब कर दूं, ये वाला पार्ट हो गया, लिख लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं क्या, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, R4, R5, this is Rn, और सबकी वैल्यू मैंने R बोल दी, R, 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 R। तो मैंने तुमसे पूछा, सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सा अरेंजमेंट है, तो ये सीरीज अरेंजमेंट है, ये सीरीज अरेंजमेंट है, यानी कि करंट यहाँ से अगर घुसेगी तो सब में बराबर जाएगी, सीरीज है। मैंने पूछा R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो तुम बता दोगे सबका एडिशन, R1 plus R2 plus R3 plus up till Rn, और सबकी वैल्यू क्या है, R।
तो यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस 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 R, कितनी बार R, N बाय R, ये कितना हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर, यानी N टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ के आया है, देखो N टाइम रेजिस्टेंस बढ़ कर आया है, ये कब, जब केस क्या है, सीरीज का है। अगर ये केस पैरेलल का होता, जैसे ये मेरा सर्किट है R1, R2 एंड सो ऑन, लास्ट कितना है Rn, ये सब कैसे लगे हुए हैं, ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं और सबकी वैल्यू R है, R, 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 तो बताओ R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन Rn। R इक्विवेलेंट निकालते ऐसे ही है, बाद में रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 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 1 अपॉन R, इसको मैं लिख सकता हूँ N अपॉन R, N अपॉन R, अरे 1 को N टाइम्स जोड़ोगे तो N ही आएगा, ये आया है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू R बाय N, देखो रेजिस्टेंस N से डिवाइड हो गया यानी कम हो गया, यहाँ N से मल्टीप्लाई हो गया था यानी कि ज़्यादा हो गया था, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है, नोट इट डाउन।